मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर हुंकार भरी है। कहा कि यहां के लोगों ने हमेशा साथ दिया है, उपचुनाव में पीडीए से घबराई हुई है बीजेपी। पीडीए परिवार के लोग भेदभाव के शिकार हुए, बीजेपी की सरकार में सभी को न्याय नहीं मिल रहा है। बीजेपी जिसको चाहे गिरफ्तार कर ले, अपनी मनमर्जी के अधिकारी को रख रहे हैं बीजेपी के लोग। यूपी में हो रहा सबसे ज्यादा क्राइम, बहराइच दंगे को लेकर कहा कि चुनावी फायदे के लिए दंगा करवा रही बीजेपी। मैनपुरी की करहल विधानसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के साथ रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव इस दौरान मौजूद रहे। अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने पर उपचुनाव का आयोजन किया जा रहा है। 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में की शिरकत। शहीद रोहित कुमार, सचिन दाची के परिजनों को सम्मानित किया गया। वर्दी भत्ता बढ़ाने समेत यूपी पुलिस कर्मियों के लिए कई घोषणा की गई। पुलिस कर्मियों के खेल कूद और प्रशिक्षण के लिए 70% धनराशि बढ़ाई गई। 70 लाख की जगह 10 करोड़ की गई धनराशि। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस कर्मी दिन रात मेहनत करके कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं, सामाजिक सौहार्द स्थापित करते हैं। तेज प्रताप यादव के नामांकन में पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। कहा सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को उपचुनाव में इसलिए निर्देश दिए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई। उपचुनाव में जीत को लेकर बोले वोट परसेंटेज के हिसाब से तय होगा जीत का मार्जिन। बहराइच में हुई घटना को लेकर कहा घर गिराने की परंपरा गलत है। घटना एक व्यक्ति करता है, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। करहल से तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने बयान दिया। कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि करहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं, उपचुनाव में बहुत बेहतर आएंगे परिणाम। 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, 23 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में मजदूरों की मौत पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के 3 मजदूरों की मौत पर व्यक्त की संवेदना। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। 20 अक्टूबर को आतंकवादियों ने किया था कायराना हमला, 7 लोगों की गई थी जान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि हम हार से कर रहे हैं इनकार। चुनाव आयोग में हमने दर्ज की है शिकायत, पार्टी कोर्ट में जाएगी। कांग्रेस ने 37 सीटों पर दर्ज की थी जीत, बीजेपी ने 48 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़गांव सीट से इस्तीफा दे दिया है। गांदरबल विधानसभा सीट को रखा गया बरकरार। गांदरबल विधानसभा सीट को रखा बरकरार। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में घोषणा की है। सीएम उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों में बड़े मार्जिन से दर्ज की थी जीत। आंध्र प्रदेश में घटती युवा आबादी पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चिंता जताई है। प्रदेश में जनसंख्या दर को बढ़ाने के लिए सरकार नया कानून लाने की योजना बना रही है। प्रदेश में 2 या उससे ज्यादा बच्चे वाले लोग ही लड़ सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव। रविवार को सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में पॉल्यूशन मैनेजमेंट को लेकर कानून बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। अभ्युदय योजना से प्रदेश के गरीब युवाओं के लिए सपनों को नई उड़ान मिली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से सैकड़ों बच्चे अफसर बने हैं। योजना से 46 अभ्यर्थियों का यूपीएससी में चयन हो चुका है, जबकि 121 अभ्यर्थियों का यूपी पीसीएस में चयन हुआ है। 700 से अधिक का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में मुफ्त में मिल रही कोचिंग सुविधा। अब तक 82,209 छात्र छात्राएं ले चुके हैं योजना का लाभ। 75 जिलों में 156 उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग संचालित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सपा ने लोकसभा में जितना गुमराह किया, मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में आगे बढ़ रही यूपी, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज का हो रहा निर्माण, पूरा भरोसा है कि बीजेपी सभी 9 सीटें जीतेगी। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी सस्पेंड किए गए हैं, डीजीपी हेडक्वार्टर भेजे गए। एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी, एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी होंगे जनपद के नए एएसपी ग्रामीण। मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा के जुलूस में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद भड़की थी हिंसा। पीसीएस प्री 2024 और आरओ एआरओ 2023
प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। परीक्षाओं को 2 दिनों और 2 पालियों में कराने को लेकर विरोध किया गया है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव किया। गेट नंबर 2 पर जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग, 1 दिन में और एक ही पाली में हो परीक्षा। फिलहाल आयोग ने 27 अक्टूबर को पीसीएस प्री की परीक्षा कर दी है निरस्त। पीलीभीत में क्रय केंद्रों पर धान खरीदने पर किसानों ने जमकर हंगामा काटा है। गैर जिलों का धान खरीदने पर किसानों ने विरोध किया। शाहजहांपुर जिले से धान की 5 ट्राली किसानों ने पकड़ी। सस्ते दामों में खरीद कर क्रय केंद्रों पर सप्लाई की जा रही है। क्रय केंद्र प्रभारी की मिलीभगत से गैर जिले के धान की हो रही खरीद। जिले में 1700 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा किसानों का धान। गुस्साए किसानों ने बीच हाईवे पर बैठकर जमकर हंगामा काटा। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा मामले में नया मोड़ आया है। बीजेपी के विधायक ने पार्टी के नेताओं पर दंगा कराने की FIR दर्ज कराई है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 पर मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक ने कहा कि DM की मौजूदगी में बेटे की हत्या की कोशिश भी हुई। रामगोपाल की हत्या के बाद मौके पर गए थे विधायक सुरेश्वर सिंह। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने हड़ताल की है। सांसद अवधेश प्रसाद हड़ताल में शामिल हुए। शिक्षकों की हड़ताल को सांसद ने समर्थन दिया है। हड़ताली शिक्षकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे अवधेश प्रसाद। शिक्षकों की समस्या को लेकर रखेंगे शिक्षकों का पक्ष। ग्रेटर नोएडा में विद्युत विभाग के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। बनाई जा रही नई प्लानिंग के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली को प्राइवेट कंपनी NPCL से जोड़ना चाहती है विभाग। मांगे नहीं मानी जाने पर जल्द जन आंदोलन की चेतावनी दी। सोनभद्र में मानव तस्करी का मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। पीड़ित युवक ने तहरीर देकर पत्नी समेत 2 नाबालिग बेटियों और 2 बेटों को बेचने का गंभीर आरोप लगाया। तस्करों ने राजस्थान में बेचा। पुलिस ने अपहरण और मानव तस्करी के मामले में केस दर्ज किया है। SP अशोक मीणा से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। सिद्धार्थनगर जिले में मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार। नौनियालों के साथ धोखा कर रहे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक। रसोईया द्वारा दूध में पानी मिलाने का वीडियो हुआ था तेजी से वायरल। रसोईया ने प्रधानाचार्य के कहने पर दूध में पानी मिलाने की बात कबूली। दूध में पानी पहली बार नहीं हमेशा मिलाकर देने की बात सामने आई है। DM ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव वालियान। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग की है। पुलिस को 24 घंटे में कार्रवाई करने का टाइम दिया। 2 दिन पहले विवादित पोस्ट को लेकर हुआ था जमकर हंगामा। आरोपी की दुकान चचेरे भाई के घर पर हुई थी पत्थरबाजी। पोस्ट पर कमेंट करने वाले युवक को पुलिस जेल भेज चुकी है। अम्बेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 70 लाख की रंगदारी मांगने वाला आरोपी नितिन गिरफ्तार किया गया है। अशोक स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के MD अभिनव से मांगी थी रंगदारी। मुख्य आरोपी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। माफिया दिलीप नितिन वर्मा पर दर्ज हुआ था केस। चित्रकूट में किसानों का हाल बेहाल हुआ है। DAP खाद ना मिलने के चलते किसान परेशान है। खाद के लिए केंद्रों के बाहर लगी है लंबी लाइन। सुबह से खाद के लिए लाइन में खड़े किसान। DAP खाद ना मिलने से किसानों में भारी आक्रोश। अलीगढ़ नगर निगम में सफाई मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया है। नगर निगम परिसर में कर्मचारियों ने हंगामा काटा है। नगर निगम प्रशासन और महापौर पर गंभीर आरोप लगाया है। सफाई कर्मचारियों का निजीकरण करने का आरोप लगाया है। बिना संघ के सूचना के रखे जा रहे हैं प्राइवेट कर्मचारी। 8,000 प्रतिमाह के हिसाब से रखे प्राइवेट कर्मचारी। सफाई मजदूर संघ ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। देवरिया में सामने आई भ्रष्टाचार की खबरें। सेल टैक्स की लापरवाही से राजस्व की हो रही चोरी। कई प्रदेशों से बसों के जरिए रोजाना आ रहे सामान बिना परमिट के ही सवरिया लेकर आ रही बस। DRTO सेल टैक्स की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। जानकर भी अनजान बना प्रशासन। CM वैश्विक नगरोदय को पलीता लगा रहे मेयर। 182 करोड़ रुपए के विकास का प्रस्ताव अधर में लटका। 16 नगर निगम भेज चुकी है शासन को अपना प्रस्ताव। मथुरा वृंदावन नगर निगम का नहीं भेजा अब तक प्रस्ताव। 3 माह में तैयार किया गया था 182 करोड़ का विकास प्रस्ताव। 8 अक्टूबर से अब तक मेयर ने नहीं किया फाइल पर हस्ताक्षर।